सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और साथ ही में बेल आइकन दबाएं यूजफुल टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं Xiaomi का मी रिचार्जेबल LED टेबल लैंप का एक अनबॉक्सिंग और छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू, और देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या है और कैसा है ये MI का रिचार्जेबल LED लैंप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये MI का लैंप क्राउड फंडिंग में अवेलेबल था, तो क्राउड फंडिंग में ये प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल हुआ है, तो कुछ ही दिनों में ये MI के वेबसाइट पे आ जाएगा। क्राउड फंडिंग के दौरान मैंने इसको 1299 में खरीदा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये जब आएगा तो थोड़ा प्राइस बढ़ के ये आएगा, हो सकता है 1499 तक ये प्रोडक्ट आ जाएगा MI.com के अंदर। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर में। इससे पहले बॉक्स आप लोग देख सकते हैं, बॉक्स कुछ इस तरह से है, एक वाइट एक लंबा सा बॉक्स है, और साथ ही में फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं, जैसे MI रिचार्जेबल LED लैंप लिखा गया है, साथ ही में 3 कलर टेम्परेचर मोड्स दिए गए हैं, अप टू 5 डे बैटरी लाइफ, कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल इमरजेंसी लाइट सोर्स, ये सब लिखा गया है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे बॉक्स के, तो यहाँ पे कुछ और की हाइलाइटिंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ये प्लग इन प्ले है, नो स्ट्रोब इफेक्ट, पोर्टेबल एंड एडजस्टेबल, अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ, 3 कलर टेम्परेचर मोड्स और इमरजेंसी लाइट सोर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखे गए हैं। बॉक्स के राइट साइड में और भी बहुत सारे डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही फर्स्ट में आप लोगों को एक USB टू माइक्रो USB केबल मिल जाएगा इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए। उसके बाद हमारा जो टेबल लैम्प है वो हमें मिल जाता है, एकदम व्हाइट कलर के ऊपर आया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये व्हाइट कलर में ही अवेलेबल था और उम्मीद है ये व्हाइट कलर में ही आएगा, दूसरा कोई कलर वर्जन इसका नहीं होगा, और देखने में काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत है। देख सकते एक रेट्रो टाइप का लुक यहाँ पे आप लोगों को मिल जा रहा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। जो मिडिल का जो रॉड पोर्शन है ये मोस्ट प्रोबेबली मेटालिक है, और टॉप का ये जो लैम्प टाइप का पोर्शन है, लैम्प का जो पोर्शन है, ये मुझे लगता है हार्ड फाइबर से बनाया गया है। जो भी हो, इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्टर्डी भी लग रहा है। लॉन्ग टाइम यूज़ करने टाइम आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और ये इतने जल्दी से टूटेगा भी नहीं। और नीचे आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर इसका बेस दिया गया है, बेस के ऊपर में आपको एक ही बटन देखने को मिल जाता है जिसके सहारे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। इस बटन के अंदर में आपको एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, ये LED इंडिकेटर जब आप चार्ज करेंगे तो आप देख पाएंगे धीरे धीरे ब्लिंक करेगा, और जब इसका बैटरी लो रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी क्विकली यहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा। और लैंप के बैक साइड की तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आप लोग चार्जर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। और बेस के नीचे की तरफ देख सकते हैं रबर फेट दिया गया है, जिसकी मदद से आप अगर इसको टेबल पर रखते हैं तो टेबल पर ये स्लाइड नहीं करेगा, एक ही जगह पर स्टिक करता रहेगा। तो ये तो हो गया बिल्ड क्वालिटी। अब हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं और इसके मोड्स को देख लेते हैं। बटन को प्रेस करते ही, सिंगल प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को 3 मोड मिल जाता है और 3 कलर टेम्परेचर मोड आप लोगों को मिल जाता है। 3 जो कलर टेम्परेचर मोड है, 3 कलर टेम्परेचर मोड का अलग अलग ब्राइटनेस लेवल है। अलग अलग कलर टेम्परेचर में आप ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, अगर हर एक कलर टेम्परेचर मोड में आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाते तो ये और भी अच्छा हो सकता था। हालांकि ये और भी जो हायर रेंज के प्रोडक्ट्स है, हायर रेंज के जो LED लाइट्स है वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका प्राइस के हिसाब से शायद ये फीचर यहाँ पे ऑमिट कर दिया गया है। तो चलिए क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या मोड्स है आप लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे मोड्स चेंज करने के लिए आपको ये जो बटन है, बटन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद ये मोड्स के थ्रू साइकिल करता जाएगा। एक बार लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये नेक्स्ट मोड में जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो कलर टेम्परेचर मोड है या ब्राइटनेस मोड है वहाँ पर जाएगा, और उसके बाद लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ऐसे करके साइकिल करता जाएगा। तो फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट मोड है। फर्स्ट मोड में एकदम लो लेवल का आप लोगों को लुमिनस इंटेंसिटी मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को 10 लक्स और 2600 केल्विन का आउटपुट देखने को मिलेगा। और इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लोग मैक्सिमम 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और दूसरा जो मोड है, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो दूसरे मोड में चला जाएगा। दूसरे मोड में यहाँ पे 3200 केल्विन या फिर 60 लूमेन तक आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और फाइनली जो ब्राइटेस्ट मोड है, और वहाँ पे आप लोगों को 4500 केल्विन यानी कि जो मोस्ट वाइट लाइट है वो आप लोगों को मिलेगा, साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा कम
यानी कि 4 घंटे तक का मिल जाएगा और 100 लुमेन तक का आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मोस्ट ब्राइट सिचुएशन में आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 घंटे का बैटरी बैकअप, मीडियम में करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 7 घंटे का बैटरी बैकअप, और एकदम लो पे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 40 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मीडियम पोर्शन जो है, जो मीडियम मोड जो है, वही यहाँ पे मोस्ट यूजेबल मोड है। उस मोड में आप लोगों को सफिशियंट लाइट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर्स है, एकदम लो मोड में आप लोगों को 2600 केल्विन यानी कि मोस्ट येलोइश जो कलर टोन है वही देखने को मिलेगा, मोस्ट येलोइश लाइट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं एकदम येलोइश लाइट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जो मीडियम मोड है यानी कि जो 60 लुमेन वाला आउटपुट है, वहाँ पे आप लोगों को 3200 केल्विन यानी कि येलोइश और वाइट मिक्स करके जो कलर आता है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद फाइनली ब्राइटेस्ट मोड यानी कि 4500 केल्विन वाले मोड में, यानी कि 100 लुमेन वाले मोड में आप लोगों को जो मोस्ट वाइट लाइट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग रीडिंग वगैरह करते हैं तो आप लोग ब्राइटेस्ट मोड में जला के इसको रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मल अगर लाइट जला रहे हैं, एक एम्बिएंट लाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मीडियम लाइट में करके इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक डेस्क एक्सेसरी है और देखने में भी काफ़ी कूल है, लेकिन इसका एक चीज़ जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जो है इसका लंबाई। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, काफ़ी छोटा प्रोडक्ट है और काफ़ी छोटा सा लैम्प है। एक्चुअली जो टेबल लैम्प्स होता है, इस तरह का टेबल लैम्प्स होता है, वो अगर थोड़ा बड़ा हो तो देखने में और अच्छा लगता है और उसका यूजेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो हाइट है आप लोग देख सकते हैं, 1 फीट का हाइट है। मेरे पास ये स्केल है, देख सकते हैं इसका हाइट जो है 1 फीट का हाइट है, तो ये 1 फीट जितना ही है लंबा है। तो आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगी ये कितना लंबा है या फिर कितना छोटा है। मेरे हिसाब से ये अगर एटलीस्ट 1.5 फीट तक हो जाता तो और अच्छा ये लगता और यूजेबिलिटी इसका बढ़ जाता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।